हे गाइस, मेरा नाम शमशाद अली है और आप देख रहे हैं शमशाद अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पेटीएम की हेल्प से आप कैसे होम क्रेडिट का ईएमआई लोन किस्त या फिर बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा पूरा पेमेंट ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप। तो जानने के लिए वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए आपको होम क्रेडिट का पे किया हुआ है। इसी स्टेप को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी वे में किसी भी लोन का रीपेमेंट आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक है जो कि आपका फाइनेंस करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल। जैसे कि अगर हम बात करें आपका बजाज फाइनेंस हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, होम क्रेडिट हो गया। इसी तरीके से आपको मार्केट में बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज अवेलेबल है जो कि आपका फाइनेंस करती हैं। यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि आपने कैसे होम क्रेडिट का पेमेंट करना है। आपने उन्हीं स्टेप्स को बस आपने कंपनी वहाँ पे जहाँ पे मैं होम क्रेडिट सेलेक्ट कर रहा हूँ वहाँ पे आपने अपनी कंपनी सेलेक्ट करके आपने ए टू जेड उसी प्रोसेस को यूज़ करेंगे तो आप बहुत ही आसानी वे में किसी भी लोन किस्त ईएमआई या फिर बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट का आप पेमेंट कर पाएंगे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए लिए चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे। सो फ्रेंड, इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, अपना पेटीएम ऐप रेडी रख लेना है। पेटीएम ऐप के साथ साथ आपने जिसका भी पेमेंट करना है उसको आपने अच्छे से रेडी करना है। इन स्टेप को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी में पेमेंट कर पाएंगे। तो पेटीएम ऐप ओपन कर लेने के बाद तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आप ए टू जेड सारे फंक्शंस को आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको वहाँ पर पहुँचने के बहुत सारे तरीके हैं। वहाँ से आप चाहो तो यहाँ पर पे लोन सर्च करोगे तो भी आपके वहीं पर ऑप्शन पे आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको सी ऑल का, जैसा कि आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसके लिए सी ऑल वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हो। अगर आप सर्च भी यहाँ से सी ऑल पे क्लिक करोगे तो भी आपको वहीं पे पहुँच जाओगे। अगर नहीं पे तो आप सर्च बार में भी पे लोन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप पे लोन पे लिख के सर्च करेंगे तो भी आपका ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको पे लोन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी जिस भी बैंक से फाइनेंस कराया हुआ या आपने अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी बैंक से आपने फाइनेंस कराया ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं होम क्रेडिट का पेमेंट कर रहा हूँ तो हम इस पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट आईडी नंबर सिंपली टाइप कर देना, जो भी आपका कॉन्टैक्ट आईडी नंबर या फिर लोन अकाउंट नंबर आपको होम क्रेडिट की तरफ से मिला होगा तो यहाँ पे आपने उस लोन नंबर को यहाँ पे आपने सिंपली टाइप कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे अपने लोन के अमाउंट जो भी अपना लोन का ट्रैक नंबर है या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे लोन अकाउंट नंबर वो मैं कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। जैसे टाइप करेंगे उसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है। रजिस्टर्ड नंबर गलत मत टाइप करिएगा क्योंकि पेटीएम से अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपने रजिस्टर्ड नंबर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइप करना होगा, जो भी आपने रजिस्टर्ड फाइनेंस कराते हुए जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा तो वो नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे उस नंबर पर ओटीपी तो नहीं जाएगा, बट हाँ आपने ये चीज़ करना है वही नंबर आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मैं वही नंबर टाइप कर दे रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे केयरफुली आपने उस नंबर को यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे ही आप पूरा नंबर को सक्सेसफुली टाइप कर लेंगे उसके बाद गेट पेएबल पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही गेट पेएबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी अमाउंट बाकी होगी वहाँ पे देखने को मिलेगा। आप चाहे तो पूरा पेमेंट कर सकते हो, मैनुअली पेमेंट करना चाहो तो आप मैनुअली पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे मुझे मैनुअली पेमेंट करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2829 का, तो सिंपली मैंने इस पर करने के बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर दिया। जैसे प्रोसीड टू पे पे क्लिक किया तो उसके बाद एक ऑप्शन और यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रोसीड टू पे का, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखेंगे बट आपने वहाँ पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे जैसा कि हाईलाइट आपको हो रहा है प्रोसीड टू पे का एक ऑप्शन, तो सिंपली आपने इसी पे क्लिक कर देना। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट मेथड बहुत सारे ओपन होकर आएंगे। मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहा हूँ तो सिंपली मैंने डेबिट कार्ड मान लीजिए मैंने डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया। डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेने के बाद आपका जो भी डेबिट कार्ड का 16 डिजिट का नंबर है वो नंबर आपने यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे कि ये देखिए मैं अपना 16 डिजिट का जो भी मेरा नंबर है डेबिट कार्ड का वो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। अपना केयरफुली डेबिट कार्ड नंबर टाइप कीजिएगा और यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर का एक भी डिजिट गलत मत कीजिएगा क्योंकि एक भी डिजिट अगर आप गलत करेंगे तो वहाँ पे आपका आ जाएगा इनकरेक्ट कार्ड नंबर या फिर इनवैलिड कार्ड नंबर।
तो यहाँ पे डालने के बाद एक्सपायरी मंथ डाल देना है, उसके बाद आपने CVV जो भी आपका हो अपना CVV डालने के बाद पे पे क्लिक कर देना है। जैसे CVV आप सक्सेसफुली टाइप के पे करें पे पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ सेकंड्स का वेट करना होगा, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आपका जो भी बैंक होगा आपके बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, जैसे कि ये देखिए OTP जा चुका है। अब जो भी मेरे नंबर पे OTP आया हुआ है मैं उस OTP को यहाँ पे सिंपली टाइप कर दूंगा, जो भी 6 डिजिट का या फिर 4 डिजिट का, जैसे कि ये देखिए मेरे बैंक की तरफ से 6 डिजिट का एक OTP आया, OTP को मैंने डाल दिया, उसके बाद सिंपली मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपने कुछ सेकंड का वेट करना है, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश वगैरह नहीं करना, बैक नहीं जाना, कुछ सेकंड्स का आपने वेट करना है जब कुछ इस तरीके से ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस भी देखने को मिलेगा, इसके साथ ही इनवॉइस भी आप डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है डाउनलोड इनवॉइस का, तो आप इस पर क्लिक करके अपने इनवॉइस को डाउनलोड भी कर सकते हो। मतलब अपने इनवॉइस को अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपने कितना पेमेंट किया, जैसे कि ये देखिए इनवॉइस मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे इनवॉइस पे क्लिक कर लेने के बाद आपकी यहाँ पे पूरी हिस्ट्री आ चुकी है कि आपने कितना पेमेंट किया है, कितना ये सारी चीज़ें अगर आप शेयर करना चाहो तो आप बहुत ही आसानी वे में जिसके थ्रू भी जहाँ पे भी शेयर करना चाहो, जैसे कि ये देखिए मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया हूँ अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने दूसरे नंबर पे, जिससे कि मेरे पास मुझे पता रहे कि मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। सो कुछ इस तरीके से आप बहुत ही आसानी वे में किसी भी लोन का पेमेंट या फिर बोल सकते हैं होम क्रेडिट के लोन को पेमेंट कर सकते हो। इस स्टेप को फॉलो के आप किसी भी स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी बैंक का पेमेंट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हुआ होगा। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किए, तब तक अपने दोस्तों को ज़्यादा जी मित्र ने टेक्वा।